हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ ब्रोकली के पराठे। इसके लिए हमें चाहिए एक फुल ब्रोकली और ग्रीन चिली और ऑनियन। ब्रोकली को धो के गर्म पानी में लाइट धो के फिर उसमें मिक्सी में डाल के क्रश कर लेंगे। आधा ही अभी क्रश होगा, वापस क्रश करके आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, ये क्रश हो गया है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, तो हम अभी इसी को भी ऐसे कर लेंगे, इसे भी क्रश कर लेंगे इस तरह। अभी ये पहले वाला, अभी ये दूसरा, इसे भी क्रश कर लेंगे। अभी ये हो गया, ये भी क्रश कर लिया मैंने। अभी एक साथ मिक्स कर देती हूँ इसे। अभी एक कढ़ाई लिया है, उसमें ये डाल दूंगी मैं तेल थोड़ा सा। ये अभी गर्म हो गया, उसमें डालूंगी ग्रीन चिली। फिर ऑनियन बारीक कटी हुई, कुछ थोड़ा टाइम इस तरह गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। जास्ती नहीं कलर चेंज करना है, लाइटली। इसके साथ डालूँगी मैं आधा चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, आधा चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसे भी थोड़ा इस तरह भून लूँगी। थोड़ा नमक और ये ब्रोकली, क्रश करके रखा हुआ ब्रोकली, इसमें डाल देंगे। फिर इसको मिक्स करेंगे अच्छा तरह से। इसका पानी सूखना चाहिए थोड़ा, और थोड़ा सा कलर चेंज होगा ये जब तक इसको भुनिए। पाँच मिनट के लिए इसको भुनने छोड़ देती हूँ। ये अभी कलर चेंज हो गया है, नीचे लगने लगी है, पानी इसका सूख गया है। तो अभी मैं गैस बंद कर देती हूँ, इसको ठंडा होने देती हूँ थोड़ा। जब तक ये ठंडा हो रहा है, जब तक हम लेंगे इसके लिए गेहूं के आटा, 1 कप गेहूं का आटा। एक कप गेहूं का आटा, इसमें डालूंगी छोटा चम्मच, 2 चम्मच घी। फिर डालूंगी मैं चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, को मिक्स कर लूँगी। अभी हम आटे में डाल देंगे वो ब्रोकली जो क्रश करके जो फ्राई किए थे वो। फिर उसको ऐसे चम्मच से हिला देंगे, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का गर्म है। फिर उसके बाद हाथों से मिक्स कर लेंगे, जो सब एक साथ सब मिक्स हो जाए। वैसे ये आटे का मिक्सर में और थोड़ा नमक डाल दूँगी, क्योंकि ब्रोकली भुनने के टाइम थोड़ा सा आधा चम्मच डाले थे और आधा चम्मच इसमें लगेगा। इसको इस तरह कर लीजिए, ऐसा होना चाहिए मिक्स करके। वीडियो दिखाते हैं इस तरह। फिर हम इसको चपाती का आटा के लिए कैसा मत ऐसा मल लेंगे इसको, थोड़ा थोड़ा पानी मार के इसको अच्छा तरफ से ऐसा मल लूँगी। चपाती का डो जैसे होता है वैसे, और ये सॉफ्ट सॉफ्ट होती है वैसे। ये वेजिटेबल है ना, वेजिटेबल का इसके अंदर पानी तो रहता ही है।
ऊपर से हम थोड़ा ही पानी डालेंगे। एक बार नमक है कि नहीं चख लेना जरूर। नमक है, और ये पराठा हेल्दी भी है। ब्रोकली का पराठा बहुत टेस्टी भी लगता है। आपको पता ही होगा मैं हमेशा वेजिटेबल पर बहुत ध्यान देती हूँ, वेजिटेबल खाना चाहिए जास्ती, और ब्रोकली तो पहले। बता देती हूँ ये अभी हो गया ये डो, अभी बना देती हूँ इसका पराठा, फिर ग्रीन चटनी या दही का साथ इसका ये पराठा बना के मैं सर्व करूँगी सर और मैडम के लिए। बना ये चपाती के आटे का जैसे इसको गोला बना के मैं इसको लाट लूँगी, यानी बेल लूँगी धीरे, सूखा आटा लगा के। कैमरा में फोकस नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने मोबाइल ऊपर रखी थी। ये हो गया, अभी मैं तवा में सेक लूँगी इसको डाल के, गोल्डन ब्राउन दोनों साइड से, दो दो मिनट के लिए। हल्का सा घी लगा दूँगी मैं, ये हो गया दोनों साइड में घी लगा के। अभी मैं इसको गोल्डन ब्राउन अच्छे तरफ से उसको सेक लूँगी। बिना घी का भी बना सकते हैं। अभी ये पराठा आप ग्रीन चटनी, टमाटो सॉस और केचप के साथ और दही के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये था हेल्दी ब्रोकली पराठा रेसिपी।